पृथ्वी यानी हम सबका घर, एक ऐसा ग्रह जहाँ असंख्य जीव निवास करते हैं। मगर इस ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ये धरती बनी कैसे, इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। किसी भी वस्तु की कोई ना कोई शुरुआत जरूर होती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी कोई शुरुआत हुई होगी। आखिर ये धरती कैसे बनी, इसका पता लगाने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं 5 बिलियन साल पहले और जानते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों तरफ धुएं के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों में बदल गए। धीरे धीरे ये पत्थर के टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे से के साथ जुड़ने लगे। इस तरह से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से भी ज्यादा ग्रह सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो गई थी। 4.5 बिलियन साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टाने, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। इस समय कोई भी अशक्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम था थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना बड़ा था और इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी। जब ये धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। इस घटना से हमारे चांद के बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस धड़ाके से पृथ्वी के कई टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। हजारों सालों के बाद इनसे चांद बना। करीब करीब 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बची कुची चट्टाने और पत्थरों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते हुए इन उल्काओं में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें हम आज नमक के नाम से पहचानते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिन महासागरों में से हम नमक निकालते हैं, ये महासागर भी इन क्रिस्टल यानी कि नमक से ही बने हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका जवाब ये है कि लगातार 20 मिलियन साल तक धरती पर ये उल्काएं गिरती रही, जिसके कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो चुका था। 3.8 बिलियन साल तक धरती पर पानी आ जाने से अब धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, मगर धरती के अंदर का लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए एकदम सही तापमान और हालात बन चुके थे। 3.5 बिलियन साल तक हमारी पृथ्वी जीवन पनपने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे वृक्षों से जंगल बने और समुद्र से जीवन शुरू होने लगा। इतना सब झेलने के बाद हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र हरा भरा ग्रह बना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद।